हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सी टेट स्पेशल टॉपिक यहाँ पर आप लोगों की काफ़ी डिमांड भी थी। सी टेट में ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण थ्योरी है, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट, वेन हिले का ज्यामितीय विचार। तो चलिए इस टॉपिक को हम क्रम से देखते हैं और पूरी थ्योरी को समझें। वेन हिले ने बच्चों पर जो ज्यामिति को लेकर शोध किए, इस शोध में उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को कितने भागों में रखा, क्या रखा, इस सब की चर्चा करें। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वेन हिले वैसे नीदरलैंड के रहने वाले गणित के प्रोफेसर, हालांकि ये थ्योरी अकेले वेन हिले का नहीं है, पियरी हिले, वेन हिले, ये दंपति पत्नी, इन्होंने बच्चों को पढ़ाने के दौरान इन्होंने रियलाइज किया कि बच्चे गणित के कई सेक्शन को, खासकर जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले प्रश्न हैं, संख्यात्मक पार्ट को अच्छे से तो समझ लेते हैं, लेकिन जहां बात ज्यामिति की आती है तो बालक असहज महसूस करते हैं। तो ज्यामिति बालक के अंदर जो डेवलप होती है, ज्यामिति के जो विचार डेवलप होते हैं वो किस क्रम में होते हैं, कैसे होते हैं, इस पर इन्होंने शोध किया और अपने थ्योरी को एक अंतिम रूप दिया। चलिए अब इस थ्योरी की शुरुआत करते हैं। वेन हिले ने गणित के ज्यामितीय विचार के लिए 5 स्तरों का वर्णन किया है। 5 स्तर, हालांकि आपको यहां पर 2 बातें माइंड में रखनी है। यहां पर स्टेज 5 है लेकिन लेवल 4 है, ध्यान देना। स्टेज 1 2 3 4 5 5 है लेकिन लेवल देखेंगे तो लेवल कितने हैं, 4 है। मैक्सिमम लेवल कितने हैं, 4। इसका रीजन ये है कि जो इनका पहला स्टेज चाक्षुषीकरण, इसे हम मानसिक चित्रण भी कहते हैं, इंग्लिश में विजुअलाइजेशन, इनका ये जो पहला स्टेज है ये लेवल 0 के नाम से जाना जाता है। और दूसरा स्टेज है विश्लेषण, एनालिसिस, यह लेवल इनका पहला होता है, लेवल 1। इसके बाद बात करें तीसरा स्टेज, अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन, यह है लेवल 2। और औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन स्टेज, तो ये 4 है लेकिन लेवल है 3। और एक अंतिम 5 देखें, दृढ़ता, रिगर, ये है लेवल 4। तो चलिए यहां पर इन 5 स्टेज मतलब 4 लेवल में थ्योरी क्या है थोड़ा समझें। आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा, प्रत्येक स्टेज में इन्होंने जब बालकों पर अध्ययन किया कि बालक ज्यामिति के विचारों को, ज्यामिति जो थाट है वो बालकों में कैसे डेवलप होते हैं, तो इसके लिए इन्होंने जो 5 स्टेज दिए हैं, सभी स्टेज में बालकों में कुछ न कुछ स्किल डेवलप होती है। तो यहां पर स्किल क्या क्या डेवलप होती है, चलिए इसे ध्यान दें। स्किल मीन्स होता है कौशल। जो पहला स्टेज मतलब लेवल 0 है, चाक्षुषीकरण, इसमें बालक कि विजुअल स्किल डेवलप होती है। जो विश्लेषण है इसमें ड्राइंग स्किल, चित्र बनाने की स्किल डेवलप होती है। अनौपचारिक निगमन में एक स्किल डेवलप होती है वर्बल, बोलकर बालक यहां पे समझा लेते हैं। औपचारिक निगमन में एक स्किल डेवलप होती है प्रूफ करने की, बालक यहां पर सिद्ध कर लेते हैं। और 5 स्टेज मतलब लेवल 4 जो दृढ़ता है, यहां पर जो स्किल डेवलप होती है वो होती है कंक्रीट, स्थूल सोच डेवलप होती है। चलिए इस थ्योरी को देखें। सबसे पहला लेते हैं स्टेज, पहला मतलब लेवल 0। मैं एक चीज आपको बता दूं, लेवल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, दृढ़ता, इस प्रकार से ऑप्शन देता है, तो कभी कभी लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। तो आपको यह ध्यान जरूर रखना है कि लेवल और स्टेज के जो अभिन्न अंग हैं, इसको चलिए देखें।
पहला यहां पे हम लेते हैं लेवल जीरो। ये चाक्षुषीकरण विजुअलाइजेशन है। अभी थोड़ी एक शुरुआती भूमिका बना के इस थ्योरी को लेते हैं। देखिए, जब बालक प्री स्कूल होता है, मतलब अभी बालक जब स्कूल में एंट्री नहीं कर रहा होता है, तो जब वह विभिन्न आकृतियों को देखता है तो उन आकृतियों को घरेलू वस्तुओं से संदर्भित या उच्चारित करता है। जैसे जब बालक प्री स्कूल में होता है, अभी बालक वैनहिले के ज्यामिति विचार में अभी प्रवेश नहीं किया है, अभी बालक प्री स्कूल में है, तो बालक जब ज्यामिति के विभिन्न आकृतियों को देखता है तो घरेलू वस्तुओं से संदर्भित करता है। अभी बालक स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन जब बालक कुछ चित्रों को, ज्यामिति चित्रों को देखता है, तो वो घर की वस्तुओं से उसे उच्चारित करता है। जैसे जब बालक ने इस प्रकार से कोई गोल सर्किल देखा, एक राउंड देखा, तो बालक को ये नहीं पता है कि ये वृत्त है। अभी प्री स्कूल में बालक है, अभी घर पर है, विद्यालय नहीं जाता, तो जब बालक इस आकृति को देखा तो बालक ने इसे सिक्के का नाम दिया कि ये एक सिक्के जैसा लग रहा है, क्वाइन। ध्यान देना, बालक ने जब इस राउंड को देखा तो उसने कहा ये क्वाइन है, सिक्का है। बालक ने जब इसको देखा तो ये कहा कि ये टेलीविजन है, टीवी। घर में वो टीवी देखा तो ये बताया कि ये टेलीविजन है। अभी उसे ये नहीं पता कि क्या है, लेकिन जब बालक वैनहिले के इस जीरो लेवल, मतलब चाक्षुषीकरण वाले लेवल पर जब एंट्री करता है, तो बालक विभिन्न आकृतियों को देखकर आकृतियों को सोचकर उनको वर्णित और वर्गीकृत कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब बालक जब विभिन्न आकृतियों को देखेगा तो इसको वर्णित कर लेगा। वर्णित मीन्स उच्चारित कर लेगा, उसका नाम बता लेगा। लेवल जीरो में बालक विभिन्न आकृतियों के नाम को जान लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, किसी राउंड को देखकर बालक वृत्त बोलने लगता है। जब बालक किसी राउंड को देखता है तो वृत्त बोलने लगता है। जब बालक ने इस आकृति को देखा तो इसे आयत या चतुर्भुज पढ़ने लगता है। जब बालक ने इस आकृति को देखा तो इसे त्रिभुज पढ़ने लगता है, या बालक ने इस आकृति को देखा तो इसे क्या पढ़ता है? त्रिभुज पढ़ता है। कहने का मतलब यह है, यहां पर बालक किसी राउंड को देखकर वृत्त, इसे देखकर चतुर्भुज या आयत, इसे देखकर त्रिभुज आदि उच्चारित करने लगता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, लेवल जीरो में बालक विभिन्न आकृतियों को देखकर इन आकृतियों को वर्णित और वर्गीकृत करने लगता है। वर्गीकृत मतलब समझते हैं? वर्गीकृत मतलब भुजाओं के आधार पर, भुजा को देखकर इसे वर्गीकृत। जैसे तीन भुजाएं देखता है तो त्रिभुज पढ़ देता है, चार भुजाएं देखता है तो चतुर्भुज। ये किस लेवल पर होता है? जीरो लेवल पर। जब बालक वैनहिले के ज्यामिति विचार के जीरो लेवल पर स्टैंड होता है, तो बालक विभिन्न आकृतियों को देखकर उन्हें, उन आकृतियों के नाम जानने लगता है, वर्णित उच्चारित करने लगता है, तथा वर्गीकृत कर लेता है। वर्गी के मतलब भुजाओं के आधार पर, ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज, इस तरीके से। तो बस आपको लेवल जीरो में, पहले स्टेज में, चाक्षुषीकरण वाले स्टेज में आपको बस इतना ध्यान देना है कि बालक विभिन्न आकृतियों को देखकर उनका नाम जानता है तथा उसको वर्गीकृत कर लेता है। अब प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि एक बालक विभिन्न आकृतियों को देखकर आकृतियों को वर्णित और वर्गीकृत करता है, तो बताइए बालक वैनहिले के ज्यामिति विचार के किस चरण पर है? ऑप्शन दिया रहता है चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। तो ये आप लगाएंगे चाक्षुषीकरण, या कभी कभी मानसिक चित्रण भी ऑप्शन में दिया रहता है, तो इसको मानसिक चित्रण भी बोलते हैं। ये बात ध्यान देना, इंग्लिश में विजुअलाइजेशन। ये लेवल कौन सा है? जीरो है। चलिए अब हम आते हैं विश्लेषण। ये तो लेवल जीरो मैंने बताया, अब चलिए बात करते हैं लेवल पहले में क्या होता है। लेवल पहला है विश्लेषण, एनालिसिस। एनालिसिस
इसमें क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके थ्योरी और इसके थ्योरी में बिल्कुल माइनर डिफरेंस है। तो जब बालक लेवल पहले में आता है, लेवल पहले में मतलब स्टेज दूसरे में बालक एंट्री करता है वेन हिले के जामती थाट के अनुसार, तो वहां पर बालक में एक स्किल और डेवलप होती है, ड्रॉइंग, चित्र बनाने की स्किल। थोड़ा समझिएगा, जब बालक इस पहले लेवल पर आता है तो विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर, विभिन्न आकृतियों को देखकर उन आकृतियों के गुणों के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है तथा चित्र भी बना लेता है, परंतु समानता या संबंध नहीं बना पाता। बात समझिएगा इसका मतलब। इसमें लेवल पहले में क्या होता है, विश्लेषण वाले लेवल में क्या होता है, बालक विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर वर्णित करता है, वर्गीकृत करता है तथा चित्र भी बना लेता है। ध्यान देना, जब बालक पहले लेवल पर आता है, विश्लेषण लेवल पर आता है, तो विभिन्न आकृतियों को उन आकृतियों के गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता है तथा चित्र भी। अब यहां पर ध्यान देना, वर्णित सेंस यहां भी है, वर्णित सेंस यहां भी है, दोनों में फर्क क्या है, वहां पर गुणों के आधार पर बालक नहीं बता पाता था, लेकिन जब इस लेवल पर बालक आएगा तो विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित कर लेगा। इसका मतलब क्या है, गुणों के आधार पर सेंस, जैसे वहां पे हमने जब बालक चाक्षुषीकरण लेवल पर था, लेवल जीरो पर था, तो जब हमने बालक से पूछा ये क्या है, तो बालक ने कहा ये त्रिभुज है। जब हमने बालक को ये दिखाया कि ये क्या है, तो बालक ने इसे भी त्रिभुज बोला। ये क्या है, चतुर्भुज है। एक और मैंने बनाया, ये क्या है, चतुर्भुज है। तो वहां पर बालक गुणों के आधार पर नहीं जान पाता था, लेकिन यहां गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता है। जैसे चलिए, जैसे मैं त्रिभुज की बात करूं, तीन भुजाएं, लेकिन यहां पर बालक गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता है। जैसे मैंने बालक से कहा कि ये क्या है, तो बालक अब ये नहीं कहेगा कि त्रिभुज है, बालक ने देखा यहां पर तीनों भुजाएं बराबर है, तो इनके गुण क्या है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीनों भुजाएं बराबर होने के कारण बालक ने इसे बोला समबाहु त्रिभुज। यहां पर जब मैंने पूछा कि बालक से ये क्या है, तो बालक इनके गुणों के आधार पर कि ये 90 डिग्री पर कट करा है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब मैंने बालक से ये पूछा चलिए ध्यान देना, मैंने बालक से ये पूछा ये क्या है, तो ये समकोण तो है लेकिन इसमें दो भुजाएं बराबर दिख रही है, तो इसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोला। कहने का मतलब यह है, जब बालक चाक्षुषीकरण लेवल पर होता है, तो चाहे हम ये चित्र दिखाएं चाहे ये चित्र दिखाएं, वो त्रिभुज ही पढ़ता था कि तीन भुजाएं हैं तो त्रिभुज है, लेकिन जब विश्लेषण लेवल पर आता है तो बालक उनको गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता है तथा चित्र भी बना लेता है। यहां पर बालक गुणों के आधार पर तीन भुजाएं बराबर देखा, समबाहु त्रिभुज, यहां 90 डिग्री प्रकट कर रहा है, समकोण त्रिभुज, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कहने का मतलब यह है कि यहां पर ये जैसे भुजाएं अलग अलग है, तो बालक ने कहा कि ये विषमबाहु त्रिभुज। कहने का मतलब यहां पर विश्लेषण वाले लेवल पर बालक विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता है तथा चित्र भी बना लेता है, लेकिन समानता या संबंध नहीं बना पाता, मतलब उसे प्रूफ नहीं कर पाता। जैसे ध्यान देना, गुणों के आधार पर, जैसे अब चतुर्भुज की बात करें, तो चतुर्भुज में बालक ये तो पहचान लेता है गुणों के आधार पर, ये आयत है, कोई वर्ग है, कोई सम चतुर्भुज है और कोई समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज है, ये बालक गुणों के आधार पर इनको वर्णित कर लेता है। जब बालक ने देखा आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर है, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री है तो आयत है, चारों भुजाएं बराबर है, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री है तो वर्ग है, फिर सम चतुर्भुज है। लेकिन जब हम ये पूछेंगे कि वर्ग और सम चतुर्भुज में क्या समानता है, क्या संबंध है, तो ये स्थापित नहीं कर पाता। तो फिर से ध्यान देना, जीरो लेवल में बालक
विभिन्न आकृतियों को वर्णित कर लेता है और वर्गीकृत कर लेता है। विश्लेषण लेवल पर जब बालक आता है तो इन आकृतियों के इनके गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता है, एक स्किल और डेवलप होती है, चित्र भी बना लेता है। जैसे हमने कहा कि समचतुर्भुज तो चित्र बना लेता है, वर्ग चित्र बना लेता है, लेकिन समचतुर्भुज और वर्ग में समानता क्या है इसको सिद्ध नहीं कर पाता। तो ये आपका रहा विश्लेषण लेवल, संभवतः आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अनौपचारिक निगमन, इसे इरेज कर रहे हैं। तो देखिए अनौपचारिक निगमन इनफॉर्मल डिडक्शन, अब बालक आ गया लेवल सेकंड पर। लेवल सेकंड क्या है? अनौपचारिक निगमन इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन। इसमें एक स्किल डेवलप होती है वर्बल स्किल, अनौपचारिक निगमन में एक स्किल डेवलप होती है, कौन सी? वर्बल, मतलब बोलकर बालक, वर्बल मतलब बोलकर, भाषाई आधार पर। तो अनौपचारिक निगमन में बालक विभिन्न आकृतियों को, उनके गुणों के आधार पर परिभाषित कर लेता है, समानता बतला लेता है, बस सिद्ध नहीं कर पाता। कहने का मतलब ध्यान देना, मैंने यहां पर लिखवाया है कि इस स्तर पर बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से, लेवल दूसरे में, इस स्तर पर बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण, भाषाई आधार पर शुरू कर देते हैं, मतलब बोलकर शुरू कर देते हैं, परंतु सिद्ध नहीं कर पाते। जैसे यहां पर ध्यान देना, बोलकर भाषाई आधार पर बालक आकृतियों को परिभाषित कर लेता है, इनफॉर्मल तरीके से सब कुछ बता लेता है, बस प्रूफ नहीं कर पाता। जैसे ध्यान देना, जब लेवल पहले पर बालक था विश्लेषण पर, तो हमने जब बालक से पूछा था कि समचतुर्भुज और वर्ग में समानता क्या है, तो वहां नहीं बता पाता था, लेकिन यहां बता लेता है। जैसे हमने पूछा कि वर्ग और समचतुर्भुज में फर्क क्या है, समानता क्या है, तो बालक यहां बोलकर इसके प्रॉपर्टीज को बतला लेगा, डिफाइन कर लेगा, परिभाषित कर लेगा, बस एक काम नहीं कर पाएगा, उसे प्रूफ नहीं कर पाएगा। मतलब समानता बतला लेता है कैसे? बोलकर। जैसे यहां पर बताया कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण अलग अलग होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? असमान होते हैं। ये बोल के बता लेता है बालक, ये बता लेता है कि वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, यहां भी बतला लेता है। मतलब बोलकर तो वो सब कुछ बता लेगा, ये बता लेगा कि इसका जो क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर है, और इसका क्षेत्रफल 1/2 d1 d2 है, इसका क्षेत्रफल मतलब हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, लेकिन यहां पर क्या है? भुजा का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है, और इसका क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। मतलब बोल के तो बता लेता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये कैसे होगा, इसे सिद्ध कीजिए, तो वो सिद्ध नहीं कर पाता। मतलब बोल के तो सब कुछ बता लेता है। आपको बता दे, उच्च प्राथमिक कक्षा में, उच्च प्राथमिक कक्षा मीन्स 6-8 में बालक ज्यामिति के जिस गुण को पढ़ता है वो अनौपचारिक निगमन होता है। जैसे आप 6-8 में देखिए, क्या हम तथ्यों को प्रूफ कराते हैं? नहीं, बालक प्रूफ नहीं कर पाता, लेकिन आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर उसे डिफाइन कर लेता है कि इसमें ये चीज है, इसका सूत्र ये है ना, इसमें ये समानता है, ये असमानता है, सारी चीजें बता लेता है, लेकिन हमने कहा कि इसे प्रूफ करिए कैसे होगा, तो सिद्ध नहीं कर पाता। तो आप समझिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक ज्यामिति के जिस गुण को पढ़ता है वो क्या होता है? अनौपचारिक निगमन। अब हम बात करते हैं औपचारिक निगमन की, लेवल तीसरा औपचारिक निगमन। हालांकि ये स्टेज चौथा है, लेकिन लेवल तीसरा है औपचारिक निगमन में। आप देखिए, बालक यहां पर औपचारिक निगमन में क्या करता है? प्रूफ कर लेता है। तो अब ध्यान देना, मैंने इसका डेफिनेशन यहां पे किया है लेवल तीसरे का,
आप यहां पर फोकस करिएगा, इस स्तर पर बच्चे विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में लॉजिकली सोचकर अलग अलग जो इस आकृतियों के गुण हैं उन गुणों को तर्कपूर्ण तरीके से सोचकर उन्हें सिद्ध भी कर लेते हैं, सोच तर्क लॉजिकली सोचते हैं उसे सिद्ध भी कर लेते हैं, साथ ही साथ परिभाषाओं प्रमेय और उपप्रमेय में संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे वहां पे हमने पूछा था कि सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ डी वन डी टू कैसे होता है, तो बालक वहां पे नहीं बता पाता था, लेकिन यहां पर बता लेगा। जैसे ये इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। हमने जब इस लेवल पर जब बालक आता है तो आकृतियों को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर तर्कपूर्ण तरीके से सोचना शुरू कर देता है, परिभाषाओं में प्रमेय में उपप्रमेय में संबंध बना लेता है तथा सिद्ध भी कर लेता है। जैसे यहां पर हमने पूछा कि इसका क्षेत्रफल हाफ डी वन डी टू कैसे होगा, तो देखिए यहां पर बालक तुरंत चित्र बनाएगा और यह बताएगा कि सम चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये भाग बराबर होगा। बात समझिएगा, मतलब डी ई बराबर होगा बी ई के और ए ई बराबर होगा ई सी के, ए ई बराबर होगा ई सी के। जैसे ये 10 मान लिया 12 सेंटीमीटर ये है, मान लिया एक विकर्ण जो बी डी है 12 है तो ये 6-6 में बढ़ जाएगा, यदि ये 10 है तो ये 5-5 में बढ़ जाएगा। कहने का मतलब दो विकर्ण है, ये विकर्ण डी वन है और एसी वाला विकर्ण मान लिया डी टू है, ये बीडी वाला विकर्ण डी वन है और एसी वाला विकर्ण क्या है डी टू है, तो जब ये समद्विभाजित होगा पूरा डी वन है जब समद्विभाजित होगा तो इधर कितना हो जाएगा डी वन बाई टू, डी वन बाई यहां पे बटे दो लिखे हैं, और जब ये समद्विभाजित होगा तो इधर हो जाएगा डी टू बाई टू इधर से। तो ये एक समकोण त्रिभुज बालक निकाल लेगा और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहां चार त्रिभुज हैं, 2, 3, 4, चारों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो क्या करेगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर चार से गुणा करेगा, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब, मतलब डी वन बाई टू अगुणा डी टू बाई टू, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। और एक त्रिभुज का जब क्षेत्रफल आ जाए तो इसमें बालक चार से गुणा कर देगा क्योंकि चारों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो यहां से ये दो दुना चार से ये चार कट गया, कितना आ गया हाफ डी वन डी टू। तो कहने का मतलब यहां पर ये बालक क्षेत्रफल हाफ डी वन डी टू कैसे होता था वहां पर सिद्ध नहीं कर पाता, बता तो लेता था कि इसका क्षेत्रफल इतना है लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता था, लेकिन जब औपचारिक निगमन में आता है तो बालक उन तथ्यों को सिद्ध भी कर लेता है। तो एक चीज माइंड में रखिएगा, दसवीं कक्षा तक के ज्यामिति, मतलब अब उच्च प्राथमिक हटा दें तो दसवीं कक्षा तक के ज्यामिति के जो भी प्रमेय उपप्रमेय डेफिनेशन आदि आते हैं ये सब औपचारिक निगमन के ही अंतर्गत आते हैं। और लास्ट है दृढ़ता, ये रिगर, ये आपके पाठ्यक्रम से बाहर है। बाहर का मतलब यहां ध्यान देना, आपको बता दें कि सीटेट 1-5 में ये केवल 2-3 ही महत्वपूर्ण है और 6-8 पेपर सेकंड तक के लिए ये चारों है ना, ये दृढ़ता आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन फिर भी मैं इसे डिफाइन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। ये जो दृढ़ता है लेवल 4 रिगर, ये है लेवल 4, स्टेज 5वां है, लेवल 4था है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा बोल के डिफाइन कर रहा हूं, आप सुनिएगा, अब चाहे तो बाद में नोट भी कर लीजिएगा। इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों में अमूर्त रूप से अमूर्त चिंतन, अमूर्त मतलब समझते ना, अमूर्त विचारों को जान लेते हैं, अमूर्त धारणाओं को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तथा उसके अंदर छिपी अवधारणा को भी समझ लेते हैं। तो यहां पर जो एक स्किल डेवलप होती है वो कंक्रीट, मतलब बालक यहां पर स्थूल विचारों को समझ लेते हैं, ज्यामिति के अमूर्त छिपे हुए विचारों को भी जान लेते हैं और उसमें संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। यह सोच बालकों में कॉलेज के समय विकसित होती है।
तो रनिंग वे में एक बार फिर से देखें, इस लेवल पर बालक विभिन्न आकृतियों को वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है, मतलब विभिन्न आकृतियों को नाम जान लेता है, उच्चारित कर लेता है। किस लेवल पर? जीरो लेवल। अब हम बात करते हैं विश्लेषण लेवल। तो विश्लेषण लेवल जो है, इसमें बालक विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता है तथा चित्र भी बना लेता है। अनौपचारिक निगमन में क्या होता है, इस स्तर पर बच्चे विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण शुरू कर देते हैं भाषाई आधार पर, बोलकर विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण शुरू कर देते हैं। प्रॉपर्टीज को सोच सकते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में समझ सकते हैं, परंतु सिद्ध नहीं कर पाते। औपचारिक निगमन में क्या होता है, इस स्तर पर बालक विभिन्न आकृतियों को तर्कपूर्ण तरीके से लॉजिकली सोच लेते हैं, प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं तथा उसे सिद्ध भी कर लेते हैं, विभिन्न परिभाषाओं में, प्रमेय में, उपप्रमेय में संबंध भी बना लेते हैं। दसवीं कक्षा तक के ज्यामिति विचार इस लेवल के अंतर्गत आते हैं। दृढ़ता में इस स्तर पर बच्चे ज्यामिति के अमूर्त विचारों को जानने लगते हैं, ज्यामिति के छिपी धारणाओं को भी समझ लेते हैं तथा उसमें संबंध भी बना लेते हैं। यह सोच बालकों में कॉलेज के समय विकसित होती है। आप ये थ्योरी ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास जब मैं आऊंगा इस थ्योरी को आप एक बार देख लीजिएगा, प्ले करके दो बार देख लीजिएगा, हालांकि कोई डाउट इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस वेन हिले के ज्योमेट्रिक थॉट से बनने वाले प्रश्नों को मैं रखूंगा, लेकिन फिर से एक बार कहूंगा पूरी थ्योरी आप देखे रहेंगे तभी आप प्रश्नों को सुचारू रूप से उत्तर दे सकेंगे। और गारंटेड थ्योरी आप एक बार देखें, प्रश्नों में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अपने कमेंट, अपने जो भी इस थ्योरी के अंतर्गत आपको जो भी डाउट रहा हो कमेंट बॉक्स में डालिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें। तो सीटेट स्पेशल टॉपिक ये आपके 1 to 5 और 6 to 8 फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के लिए एक अनिवार्य थ्योरी है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में अगले दिन मैं आपको इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट जरूर देना, भूलिएगा नहीं। थैंक यू सो मच।